के लिए, खबर सरोकार के लिए, खबर खुशी के लिए, दिखाएंगे हम सच सच्ची खबर। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह, बिहार ऑन न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर के सुर्खियों पर। बिहार गृह विभाग की ओर से जारी पत्र संख्या 4744 के मुताबिक पटना जिले के पाली डीएसपी तनवीर अहमद, औरंगाबाद जिले के सदर डीएसपी अनुपम कुमार, भोजपुर जिले के आरआर डीएसपी पंकज रावत और रोहतास जिले में तैनात डीएसपी संजय कुमार को तत्काल पटना स्थित पुलिस हेडक्वार्टर तलब किया गया है। गौरतलब है कि भोजपुर, औरंगाबाद, पटना और सारण जिले में बालू के अवैध खनन को लेकर सरकार कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के कई अफसरों पर गाज गिर गई है। माना जा रहा है कि इसी कड़ी में इन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इन सभी को रिपोर्ट तलब करने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने बीते दिन बुधवार को भोजपुर के एसपी राकेश दुबे और औरंगाबाद के पुलिस कप्तान सुधीर कुमार पुरिका को हटा दिया गया था। इन दोनों अफसरों का तबादला करते हुए पुलिस मुख्यालय बुलाया गया। डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनता दरबार का हुआ आयोजन। कई फरियादियों ने सुनी कई फरियाद। रोहतास एसपी आशीष भारती के निर्देश पर एसपी कार्यालय में आज हेडक्वार्टर डीएसपी बुद्धि माझी ने जनता दरबार लगाया, जिसमें 50 से 60 फरियादियों की फरियाद सुनी गई और उसके निदान के लिए संबंधित थाने के पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। वही फरियादियों ने अपने आवेदन के माध्यम से हेडक्वार्टर डीएसपी बुद्धि माझी से फरियाद लगाई और उनके समस्या के निदान का भरोसा भी दिलाया गया। बताते चले कि सरकार के निर्देश पर सप्ताह के प्रत्येक बृहस्पतिवार को एसपी कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जहां पुलिस से संबंधित आम जनता की समस्याओं का निदान किया जाता है। क्या कहेंगे? जनता दरबार जो हर प्रत्येक बृहस्पतिवार को होता है और आज जनता दरबार है, किया गया है। करीब 50-60 लोग आए हैं जनता दरबार में और उनके सभी समस्याओं को निदान किया गया है। निदान निकालने के लिए थाना अध्यक्ष और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक को निर्देश दिया गया है, उसी के निष्पादन करके और उसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे। डेहरी प्रखंड के दिलिया स्थित नहर में शौच करने के दौरान एक युवक डूबा, शव की खोजबीन जारी। बृहस्पतिवार को डेहरी प्रखंड क्षेत्र के दिलिया गांव स्थित पश्चिमी संयोजक नहर में शौच के दौरान 20 वर्ष के एक युवक डूब गया, जिसके पहचान अकोढ़ी गोला प्रिंस कुमार के रूप में की गई है और वह डेहरी प्रखंड के दिलिया गांव में अपने मामा के यहां आया हुआ था। वही डेहरी वीडियो अरुण कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से प्रिंस के शव की खोजबीन की जा रही है। शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम कराकर प्रिंस के शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा और आपदा प्रबंधन के तहत मिलने वाले 4 लाख की राशि को भी मृतक के परिवार को दिलवाया जाएगा। प्रिंस कुमार, उम्र 20 साल, वो अपने दूर के रिश्ते मामा के घर आया हुआ था और सुबह के समय शौच करने गया और शौच करने के क्रम में वह
जो सोनार है उसका मुख्य नाम मुख्य नहर इंद्रपुरी बरा से जो मुख्य सखा नहर निकलती है उसी नहर में दिलिया के नज़दीक में गिर गया और डूब गया है। उसके लिए प्रशासन के माध्यम से गोताखोर के द्वारा खोजा जा रहा है। अभी लाश का पता नहीं चला है। हम लोग खुजवा रहे हैं। आशंका है या अनुमान है कि जो बॉडी है बहुत दूर चला गया है और पानी में जब वह बॉडी खुलेगा बाहर आएगा तो पता चल सकता है। ऐसे पुलिस प्रशासन और गोताखोर के माध्यम से खोजा जा रहा है। पर इसके बाद में उसकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी और उनके मुआवजा जो 4 लाख खुनदान होता है वो क्योंकि अकोरीगोला ब्लॉक है तो यहाँ से हम लोग फाइल बना के अकोरीगोला भेज देंगे। वहीं के माध्यम से उनका जो सरकार के द्वारा जो अनुदान है वो मिलेगा। फर्ज अपना हम